Hello and welcome everyone in GVEL. I myself am N. Khan. आज हम जानेंगे 10th क्लास की पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगल की समरी. दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय द फेमस नॉवलिस्ट एंड पोएट विक्रम सेठ. ये वर्स स्टाइल में लिखी गई एक मोरल स्टोरी है. आइए शुरू करते हैं इस पोएम की समरी. बहुत अरसे पहले एक दलदली तालाब में हर रात तेज़ आवाज़ में एक फ्रॉग टर्टर करता रहता था. जंगल के सभी क्रिएचर्स उसकी टर्टर से बहुत दुखी थे. उन सभी क्रिएचर्स ने उसकी शिकायत और इंसल्ट भी की, लेकिन वो टर्टर करता ही रहा. एक रात एक नाइटिंगल वहाँ आई और उसने समक ट्री पर बैठकर अपनी मीठी आवाज़ में गाना शुरू किया. नाइटिंगल की मीठी आवाज़ सुनकर फ्रॉग हैरान रह गया और जंगल के बहुत सारे क्रिएचर्स उसकी मीठी आवाज़ सुनकर उसके पास इकट्ठे हो गए. सब ने उसके गाने की तारीफ़ की, बार बार सुना, उसके गाने को डिवाइन सॉन्ग कहा. उसी वक्त वहाँ वो क्रिफ्टी एंड क्लेवर फ्रॉग भी आ गया. उसने अपने आप को उस समक ट्री का ऑनर बताते हुए कहा कि मैं इस दलदल में शानदार सिंगिंग के लिए जाना जाता हूँ. तब नाइटिंगल ने उससे पूछा, क्या आपको मेरा गाना अच्छा लगा? उसने कहा, ज़्यादा ख़राब नहीं था, गाने की टेक्निक अच्छी थी लेकिन सर्टेन पावर की कमी थी. बेचारी नाइटिंगल उस क्रिफ्टी एंड क्लेवर फ्रॉग से बहुत इम्प्रेस हुई. उस क्रिफ्टी एंड क्लेवर फ्रॉग को बहुत अच्छा सिंगर मानकर उससे ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और वो उससे ट्रेनिंग चार्ज भी वसूल करता. उसने जोश के साथ गाना शुरू कर दिया. दूर दूर से उसका मीठा गाना सुनने क्रिएचर्स आने लगे, लेकिन क्रिफ्टी फ्रॉग टिकट चार्ज करने लगा. अगली सुबह मौसम सर्द था, बारिश हो रही थी. इस सर्द मौसम में नाइटिंगल ने गाने से इनकार किया, लेकिन उस क्रिफ्टी एंड क्लेवर फ्रॉग ने उस पर गाने के लिए दबाव बनाया. नतीजतन उसका गला ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी सिंगिंग से एक बड़े जन सैलाब का एंटरटेनमेंट किया. क्रिफ्टी एंड क्लेवर फ्रॉग बढ़िया इनकम के बावजूद उसे डांटता फटकारता, लेकिन बेचारी नाइटिंगल इस दबाव को सहन न कर सकी और दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई. उसकी आवाज़ फीकी पड़ने लगी. गाना सुनने वालों की क्वांटिटी कम होती गई. कभी कभी कोई तारीफ़ करने वाला नहीं होता तो उसे अकेले गाना गाना पड़ता, जबकि वो तारीफ़ की आदी हो गई थी. वो क्रिफ्टी फ्रॉग उससे नाराज़ होता, बेचारी नाइटिंगल बहुत ज़्यादा दुखी होती. एक दिन उसने तेज़ आवाज़ के साथ गाने की कोशिश की, एज अ रिज़ल्ट उसकी नस फट गई और बेचारी नाइटिंगल मर गई. बाद में क्रिफ्टी फ्रॉग ने सबको बताया कि स्टूपिड नाइटिंगल की डेथ में उसका कोई हाथ नहीं, बल्कि उसने तो उसे ट्रेंड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बेवकूफ़ दूसरों की बातों में आकर अपने सिंगिंग स्टाइल को बदलना चाहती थी, जबकि मैंने अपनी आवाज़ को कभी नहीं बदला. एक बार फिर से उस क्रिफ्टी एंड क्लेवर फ्रॉग की आवाज़ उस बिंगल बॉग में गूंजने लगी. द मोरल ऑफ दिस पोएम, वी शुड नॉट फॉलो एनीबडी एंड नॉट अडॉप्ट आर्ट स्टाइल ब्लाइंडली. इट्स एनफ अबाउट द समरी ऑफ द पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.